ने कभी लाइफ में सोचा था कि जैस्मिन भसीन से उनके रिलेशन खराब हो गए एंड वाइस वर्सा, जैस्मिन ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत जीत सकती हैं, इसीलिए मैं उनको समझा रहा था कि भैया बैग उठा लेना। तो अब मुझे लगता है कि अली गोनी ने हाथ रेस किया, बोला मैं हूं भाई रेस में, और दिख रहा है कि वो रेस में है। अगर वो कुछ पैसे लेके आउट हुई है तो वेल डन निकी तंबोली, वेल डन। विंदुभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से फीफा फूज में। चेहरे पे चमक देख के लग रहा है कि बिग बॉस के घर से बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं आप। भाई बिग बॉस का नमक खाया है तो यानी हम लोग वहाँ बहुत मजे करके आए, आई लव्ड इट, आई डोंट नो, बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों से तो उनको भी मजा आया। एंड ऐसे लग रहा है बिग बॉस सीजन 3 के बाद पहली बार मैं बिग बॉस में रह के आया हूँ, तो वंडरफुल जी। बिंदु जी यहाँ पर सीधा एक चीज मैं सीधा सबसे पहले जानना चाहता हूँ, पता नहीं किन्होंने आपसे सवाल पूछा होगा कि नहीं, वीकेंड के बारे में आपको क्यों टारगेट किया गया? नहीं टारगेट नहीं किया गया, आपको समझना पड़ेगा बिग बॉस के घर में जो भी जाता है उसको ये सोचना चाहिए कि वो जीतने गया है और कोशिश करनी चाहिए जीतने की। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत जीत सकती हैं, इसीलिए मैं उनको समझा रहा था कि भैया बैग उठा लेना। तो भाई ने मुझे थोड़ी सी सुना दी, बोला बिंदु ये क्या है तू डिमोटिवेट कर रहा है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, जो मुझे दिखता है मैं बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। बाकी सबको भी मैंने बोला आप लोग रेस में है ही नहीं, तो अब मुझे लगता है कि अली गोनी ने हाथ रेस किया, बोला मैं हूं भाई रेस में, और दिख रहा है कि वो रेस में है। तो ये शो ऐसा है कि लास्ट 5 दिन में रियल 100% क्लियर विनर चेंज हो सकता है। ओके ये सिंपल शो नहीं है कि जीत गया। आप सोचो कि बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ मनवीर गुज्जर ये शो जीते, नेवर फॉरगेट दैट इन योर लाइफ, इट्स अ लेसन, यू अंडरस्टैंड। हम सब कोई right. देवता नहीं है, कोई भगवान की मूर्त नहीं है, कोई ऊपर वाले की हमारे ऊपर दया नहीं है। कभी कभी कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो थोड़ा बहुत झूठ भी बिग बॉस में चल जाता है, लोगों को समझ नहीं आता, पब्लिक है, हम देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आता झूठ बोला है सच, और वो कभी हो सकता है कोई भी जीत जाए। दिस शो इज वेरी वेरी हार्ड, इट्स नॉट लाइक कोई मोनोपोली खेल रहा है या कुछ, दिस इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके बिंदु जी एक बिग बॉस भी हम लोग उल्लू बनाने के लिए उल्टे पुल्टे टाइप के एडिट करके दिखाते हैं भाई एपिसोड, तो आपको समझना पड़ेगा उन लोग भी करोड़ों 600-500 करोड़ रुपए का शो है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि फैंस को लड़वाएं, लोगों को लड़वाएं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखें। अगर क्लियर सब कुछ समझा देगा बिग बॉस, उनको तो ये भी पता है कि हम सपने में क्या सोच रहे हैं, तो बिग बॉस क्लियर नहीं दिखाएगा ना, पब्लिक वाला देखेगी। करेक्ट, आपकी इन बातों से काफी ज्यादा हिंट मिल रहा है मुझे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई गेस समझने वाला समझ गया होगा, जो समझे ना अनाड़ी। बिंदु जी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट जनता भी जानना चाहती है, आप घर के अंदर रहकर आए हैं, एक हफ्ता आराम से आपने एंजॉय किया है, मस्त एकदम बातचीत करी है लोगों से, मुझे ये बताइए कि रुबीना में कितना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बाहर जनता जानना चाहती है, प्लीज। आपको समझना पड़ेगा कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है उसके अंदर, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे सब होते हैं। हर इंसान, हर व्यक्ति जब कोई सिचुएशन में आता है, जब उसको लगता है वो राइट है तो वो बोलता है मैं राइट हूँ, तुम लोग रॉन्ग हो, सबको ऐसा होता है। तो उसे अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो फिर है, क्योंकि उसको लगता है मैं राइट हूँ, तो वो फिर वो बोलते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं राइट हूँ। इस घर में मैंने देखा है कि लोगों को हर चीज याद भी रहती है, तो वो मेरे से सुपीरियर है, तो मुझे तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बिकॉज मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो दिस इज हाउ इट इज, ये लोग तो एक वर्ड बोलते हैं तो याद रखते, तूने ऐसा बोला था, वो तो मैंने ऐसा नहीं बोला। मुझे तो मतलब कल क्या हुआ भूल जा भाई, मैंने जो बोला बोल दिया ऐसी की तैसी। तो डिफरेंस है, हर इंसान में अलग होता है। आई डोंट थिंक शी हैज एनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नो। ओके अच्छा सेट पर से खबर आई है बिंदु जी कि निक्की तंबोली जो है वो आउट हो गई है, व्हाट इज योर रिएक्शन? अगर वो कुछ पैसे लेके आउट हुई है तो वेल डन निक्की तंबोली, वेल डन, क्योंकि आई डोंट थिंक निक्की तंबोली ये शो बिल्कुल जीत सकती है, ना निक्की ना राखी, वो ये शो जीत नहीं सकती। अगर वो उन दोनों में से कोई ये शो जीतता है तो मैं बिग बॉस देखना जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इतना आदमी को समझ में आ जाता है शो देखते देखते कि क्या हो सकता है। तो अदर 3 कोई भी जीते, आई विल वॉच बिग बॉस सीजन 15, कोई भी जीते उसी से। तो निक्की तंबोली को और राखी को मैंने बोला था, भैया निक्की तू तो बहुत रिच है लड़की, कैसे कैसे कपड़े पहनती है, राखी की माँ के ऑपरेशन के लिए बीमार है, जरूरत है, तो 10 लाख का बैग आया, राखी को ले ले दे रहा। निक्की बोली क्यों भाई, मैं भी लूंगी। अरे मैं कह राखी ये तंबोली बहुत डेंजर है, 2 मराठनों में लड़ाई होगी, तो तू फास्ट पकड़ना बैग। फिर ट्रेनिंग दी मैंने राखी को कि बैग कैसे पकड़ना है स्पीड से, जैसे भी और ये 10 लाख का बैग, राखी मैं
दोनों को ट्रेनिंग दे गया था, लेकिन आई थिंक अगर निक्की को कुछ 6 लाख का भी कुछ मैं देख रहा हूँ, सुना है, सुन रहा हूँ 6 लाख का कुछ बैग आया है कुछ, अगर राखी और निक्की दोनों के बीच में आया था तो आई वुड हैव विश के राखी पहले लेके जाए, लेकिन अगर निक्की ने भी लिया तो गुड लक टू हर। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट निक्की का, ऐसा नहीं है कि बिग बॉस के बाद उसे कुछ होगा, वो बढ़ती जाएंगी लाइफ में। जी जी, जैस्मिन बसिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें जो इमेज नजर आई है वो बहुत ज्यादा विशियस सी नजर आई है, और ऐसा लगा था कि घर में वो अली को सपोर्ट करने नहीं, अली को सपोर्ट करने नहीं बल्कि वो, थैंक यू सो मच, हाँ, अली को सपोर्ट करने नहीं बल्कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रुबीना को और अभिनव को नीचा दिखाने के लिए उनका गेम खराब करने के लिए गई थी, और राहुल भी, प्लस राहुल भी। आपको समझ में आ रहा है राहुल, जब ये गेम में होते हैं हम तो जो चीज हम नहीं एक्सपेक्ट करते जब वो हो जाती है तो वो बहुत इफेक्ट करती है। तो आई डोंट थिंक अभिनव शुक्ला एंड रुबीना ने कभी लाइफ में सोचा था कि जैस्मिन भसीन से उनके रिलेशन खराब हो गए एंड वाइस वर्सा, जैस्मिन ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस घर में जब उनके रिलेशन खराब हुए तो दोनों के जहन में, आई थिंक जैस्मिन बाहर बैठी है घरों अपने घर में, उसके भी जहन में ये रुबीना और अभिनव आते जा रहे और उनके भी जहन में आते जा रहे, और बिग बॉस इसमें चिंगारी लगाते जा रहे हैं। तो रियल में जो माचिस की तीली है वो बिग बॉस है, इसमें वो दिखाते रहते हैं जब भी वो बात करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो जैस्मिन को लगता है मैं शो में नहीं हूं, मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बट शी वॉज अ कंटेस्टेंट ऑफ द शो, तो ऑब्वियसली जो चीज उनको बहुत ज्यादा दिल में लगी है उसके बारे में वो बात करेंगे। तो आई थिंक अभिनव ऑल्सो शुड बी हैव अ बिग हार्ट, जो कि उनका है, वेरी सेंसिबल पर्सन। मैंने देखा कि अभिनव ने कुछ बोला, आई कांट अंडरस्टैंड जैस्मिन ने कुछ बोला बाहर आके इंटरव्यू में, बट आई डोंट थिंक ही शुड से दैट, एंड आई थिंक बहुत जल्द ये चारों दोस्त होंगे, अली, जैस्मिन, रुबीना एंड अभिनव। पर अब सिचुएशन इज वेरी बैड, इट टेक्स टाइम, अभी अगर इसको कुछ दोस्ती करने की कोशिश की तो ये और ज्यादा दुश्मनी में बदल सकती है। तो आई ऑल्सो थिंक दैट थोड़ा टाइम, गिव इट टाइम, टाइम हील्स एवरीथिंग। जी, अली गोनी की अगर बात करें तो वो जो रुबीना के प्रति उनका केयर है, वो जो प्यार है, क्या वो सच में है बिंदु जी? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर सीन ऐसा देखा जहां पे उन्होंने बोला कि मैंने जानबूझ के उनको अलग किया ताकि रुबीना को सिंपैथी वोट्स ना मिल पाए। देखो आपको समझना पड़ेगा, अभी अली गोनी जीतने की फुल कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जान लड़ा रहे हैं जीतने के लिए शो, और अब हम उसको समझा के आए, एक को तू दोस्त बना लिया है, एक को तूने बहन बना लिया है, तो तू उनको ही दे देना ट्रॉफी, अगर तूने जीतना ही नहीं है तो तू उनको ट्रॉफी दे दे ऐसे ही, क्योंकि तू एक तेरा भाई है तू उसको भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, एक तेरी बहन है तू उसको भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, तो तू तो हार ही गया। तो अब बेचारा डेफिनेटली अली को, ये जो हमने बोला है, अली नेचुरली बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग और बहुत अच्छे इंसान है, पर बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए जब वो रात को सोते होंगे और सोचते होंगे कि किस प्रकार मैं ये ट्रॉफी को जीतूंगा, तो वो कुछ ना कुछ वीकनेस जो भी है लोगों में वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ये रिलेशन जो है, लास्ट ईयर जैसा बिग बॉस नहीं होगा ये फिनाले, अब लोग वो सोच रहे हैं, वो भी रेडी है रुबीना के ये मुझे कुछ पूछेंगे, राहुल भी रेडी है कि रुबीना मुझे कुछ पूछेगी, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी अपने ब्रह्मास्त्र बचा के बैठे हैं वो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी बिग बॉस का एक विनर बनेगा। ट्रू। अच्छा, इजाज खान तो बाहर निकल गए पिछले हफ्ते, हमने देखा देवलीना, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बिंदु जी, देवलीना ने कितना जस्टिस किया प्रॉक्सी कास्ट बनकर, क्योंकि जनता के मन में यही है कि यार इसको क्यों भेजा। बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअली बिग बॉस ने देवलीना को कुछ बोलने के बगैर अंदर भेजा है। बिग बॉस कभी हम लोग को बोलते नहीं कि आपको अंदर जाके क्या करना है, उनने बस बोला देवलीना आप पिछले साल इंजर हो गई थी, आप नहीं खेल पाई, तो इस साल आप एजाज की प्रॉक्सी से तरह जाएंगी, उनने कहा डन, उनने भेज दिया। अब देवलीना को अगर बोलते तो एजाज के जैसे सोचो, एजाज के जैसे समझो हर चीज, तो वो देवलीना नहीं दिखती जो अब दिखी है, और उनको बच्चे कंफ्यूज रहती कि एजाज क्या सोच रहे हैं, बिकॉज एजाज की थिंकिंग बहुत अलग थी और देवलीना की एब्सोल्यूट ऑपोजिट थी। देवो आ रही है ब्लू स्काई में नेल्स करने फ्राइडे को, मैं बैठूंगा ये तेरा प्रश्न उससे पूछूंगा और आप सबको बताऊंगा, पर देवो आपको समझना पड़ेगा वो ऐसी ही है, बहुत अच्छी है दिल की, लेकिन फटती है तो बहुत फास्ट फटती है, मेरे ऊपर भी फट गई तो मैं हंस रहा था देवो। तो बाकी आपका आपका डिसरिस्पेक्ट किया था जहां पे रुबीना सपोर्ट में उतरी थी, याद है आपको? वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज
डेबो वो टास्क को रद्द करना चाहती थी, एटलीस्ट वो रद्द नहीं तो रूबीना के बैरल को पानी में फेंकना चाहती थी, निकी को तंग करना चाहती थी, ज्योतिका को तंग करना चाहती थी। और हमने उसे कहा कि भाई हमने ना प्रोमिसेस लिए लोगों से हर चीज के बारे में, फेयर होगा ये टास्क, तो डेबो मुझे तुझे रोकना पड़ेगा। और रूबीना और सबने बोला बिंदु भाई आप डेबो को रोको, डेबो को रोको, सब डेबो से डरे थे। तो मैं कहा डेबो तुझे मैं उठा लूंगा, बोला अगर मुझे उठाया तो मैं चीखूंगी कि मेरा बैग तोड़ दिया आपने। तो वो सब मजाक करते करते वो सीरियस हो गया मैटर। जैसे वो खत्म हुआ 5 मिनट बाद डेबो ने आके मुझे बोला सॉरी बिंदु भाई, और इन सबको भी बोला तुम लोग लाइफ में बिंदु भाई और मेरे बीच में कुछ भी हो डोंट यू डेयर स्पीक। तो उसका और मेरा रिलेशनशिप अलग है, मैं बाहर भी उससे बात करता रहता हूँ। एंड इस शो में जैसे जैस्मिन दिख रही थी, ऐसे लग रहा है कि सोच रही है गुस्से में है, तो दैट्स नॉट जैस्मिन। पर ये बिग बॉस का शो ही ऐसा है कि वो ऐसा जूम करते हैं जब बहुत इंसान वही ऐसा देख रहा है तब वो जूम मारते हैं, तो लगता है जैस्मिन इतनी भी विशियस और मीन क्यों है, जैस्मिन ऐसी नहीं है। ओके विंदु भाई मुझे बताइए कि वो देवो जब सारी चीजें फोड़ने लग गई थी, तोड़ने लग गई थी, वो मतलब इतना क्योंकि रूबीना को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों था उनके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलती अगर ये अली गोनी कर दे या फिर राहुल कर दे, लेकिन फिर भी वो रूबीना के पीछे ही हाथ धो के पड़ी रहती है, ऐसा क्यों है, मतलब इतना क्या ऑब्सेशन? देखो देवो जब बाहर थी वो रूबीना को सपोर्ट कर रही थी, एग्जैक्टली अंदर जाते टाइम अगर उसने थोड़ा भी सोचा मैं एजाज हूं तो फिर उसने सोचा ये रूबीना को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आई थिंक डेबो से मैं उस दिन पूछूंगा फ्राइडे को एग्जैक्टली समझा दे। पर डेबो आई थिंक भूल जाती थी कि वो एजाज की गेम खेल रही है, तो मे बी कुछ ना कुछ हुआ है रूबीना और डेबो के बीच में जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत ताने मार ही देती है। डेबो को आदत है कुछ ना कुछ बोलने के, मार देती है ताने। तो क्या हुआ एग्जैक्टली उस दिन मैं पूछूंगा, आप भी पूछ लेना जब इंटरव्यू लेंगे। बट डेबो इज ऑल्सो स्वीट, तो आई डोंट थिंक मतलब वो कुछ छुपाएगी, सीधा बोल देती है। पारस में बहुत भड़की वो, क्योंकि पारस ने ऑलरेडी प्लान कर दिया था हमें उल्लू बना के रूबीना को जिताना, तो हमको आगे उसने कान में खुसफुस कर दिया, तो बिग बॉस ने कहा देवरीना कान में खुसफुस करना मना है, पर वो बोल के चले गई डोंट ट्रस्ट पारस, वो चीटिंग करेगा, तो वो सबको बोल के चले गई। उसके बाद भी हमने उसकी बात नहीं मानी, तो आई थिंक हम ही गधे हैं, दिस इज हाउ इट इज। पारस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पारस ने तो लिटरली ऐसा शॉकिंग, मतलब पूरा हिंदुस्तान शॉक हो गया कि ये क्या कर दिया करके पारस ने। पारस के जस्टिफिकेशन को कितना आप सही मानते हैं, कितना गलत? नहीं, पारस का नाम गेमर में गिना जाता है, बहुत बड़ा गेमर है ये वो, तो जो भी डिसीजन बिग बॉस के घर में लिए जाते हैं पारस उन्हें ट्राई करता है कि मैं उल्टा कर दूं, तो उससे ही वो गेमर का जो टैग उनको लगा है वो उस पे अमल यानी खरे उतरेंगे। तो हर चीज उन्होंने ट्राई की, हर चीज में फेल हो गए, लेकिन एक जगह यहाँ वो हिट हो गए, तो उसके लिए रूबीना के फैंस ने वाह पारस बोला। लेकिन हमें भी पता है कि उसने क्यों किया, कैसे किया, तो गुड लक टू हिम। वो भी चाहते हैं कि लोग उनके बारे में बात करें, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। Exactly. इतने सारे चैलेंजेस आए थे बिंदु जी, चैलेंजेस नहीं मतलब फैमिली मेंबर्स और इष्ट मित्र आए थे, आपकी बॉन्डिंग सबके साथ हमने देखी अच्छी, आपने ज्योतिका की भी तारीफ करी, अगर मैं बात करूं तो जी कुछ कहना चाहेंगे? ज्योतिका सुपर्ब, हाँ जी। बाकी के और कैसे थे, मतलब जान ले लीजिए या फिर ज्योतिका या पारस या तोशी ले लीजिए, वो कैसे पारस, पारस को छोड़ के बाकी सब अच्छा, पारस को छोड़ के बाकी सब फैंटास्टिक थे। पारस बाहर मेरा दोस्त है, बहुत प्यार से मिलता है सब कुछ, पर जैसे वो कैमरास में बिग बॉस में घुसता है उसके अंदर कोई कमीनापन जग जाता है और वो चाहता है कि हम सबको उल्लू बनाए, लेकिन यहाँ बहुत शातिर श्याणे लोग थे, वो उससे बिल्कुल उल्लू ही नहीं बने। तो उसने क्या किया, जान को बोला जान तू एक भी सारे सारे जो है वो सेक्स सिर्फ ज्योतिका को लाने देना और ज्योतिका को डालने देना। और यहाँ इनने पूछा भाई हम यहाँ से फेंक सकते हैं, बोला हाँ फेंक दो, अगर यही रूल बोला होता यहाँ तो वो कभी नहीं जीतते। तो दैट इज पारस फॉर यू, एंड वो अपना चाल चल गए। शकुनी मामा और पारस में ज्यादा फर्क नहीं है। वाओ अच्छा बिंदु जी, राहुल वैद्य के बारे में बताइए, क्योंकि राहुल वैद्य कहीं ना कहीं बहुत आगे आए हैं, कुछ नहीं थे वो सीजन में, जिस तरीके से वो इनक्रेडिबल जर्नी करके आ गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, दिल का कैसा है बंदा, और प्लस जो हमें बाहर से दिखता है कि बहुत शाय सा इंट्रोवर्ट अपने अंदर रहता है ज्यादातर, ऐसा है क्या कुछ?
देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था और जो सीनियर्स आए थे, तो सीनियर्स को मौका था कि या तो राहुल वैद्य जाएगा या सारा गुरपाल जाएगी। तो मैं हार्ट अटैक आ गया कि मुझे लगा कि राहुल वैद्य इस शो को बहुत ज्यादा दे सकते हैं। सारा भी बहुत स्वीट है, मैं उनसे जानता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्वीट लड़की है, पर इस शो के लिए वो नहीं बनी और वो इसको ज्यादा नहीं दे सकती। पर राहुल, राहुल वॉज अ कंटेंडर टाइप ऑफ पर्सन बिग बॉस हाउस, तो मेरे को लगा 100% हेलो राहुल। लेकिन जब मैंने देखा इतने बड़े दिग्गज गौहर और हीना बोल रहे राहुल बाहर जाना चाहिए, मुझे लगा ये कैसे बिग बॉस के जीतने के, वो एक जीत गई और एकदम जीतने वाली दूसरी, ये कैसे वहां तक पहुंचे थे ये लोग, बिकॉज अनरियल। एंड सिड टुक अ स्टैंड एंड सिड ने कहा नहीं, यही है इस शो में जो आगे जाना चाहिए। थैंक यू सिड फॉर दैट। सिड राज भी खुश हुए, हम भी खुश हुए, एंड राहुल ने दिखा दिया कि क्यों मैं और सिड सोचते थे कि वो बिग बॉस में रहने के लायक है। अब वो बिग बॉस ट्रॉफी जीतने के करीब आके खड़े हुए हैं एंड उनके हाथ में ट्रॉफी आने का फुल चांस है। तो जस्ट इमेजिन रुबीना इज हियर, राहुल इज आल्सो हियर एंड अली इज आल्सो हियर। सो मच फन, सो मच फन। ये तो सलमान जी के डायलॉग ले लिया आपने। बहुत अच्छे दिल के इंसान है राहुल वैद्य, बहुत प्यारे इंसान है राहुल वैद्य, बहुत प्यारे इंसान है अली, एंड बहुत ही प्यारी है रुबीना। तो इसीलिए जब मैंने उन सबके साथ रोटियां खा के आया हूँ, तोड़ के आया हूँ रोटियां, मैं देख के आया हूँ हर चीज। मेरी देखना आप लोग के देखने से अलग है। मैं अगर कुछ बोलूं कि कौन जीतेगा तो वो बहुत अनफेयर होगा उन लोग के लिए, बिकॉज आई हैव अबाउट अपर हैंड। आई वेंट एंड वॉच द शो इनसाइड, आई स्टेड विद देम, आई डोंट वांट टू यूज दैट हैंड। मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक देख रही है वो देखे, वो डिसाइड करे और वो चुने, बिकॉज अनफेयर होगा अगर मैं किसी को बोलूंगा यही जीतने वाला है। जी अच्छा विंसर जी, एक और चीज यहाँ पर है ना, देवोलीना ने एक डिकोडिंग करी थी कि क्यों आखिरकार अली और जैस्मिन ने सेक्स उठा के डाले, कहीं ना कहीं वो राहुल का गेम खराब करना चाह रहे हैं। एंड प्लस एक और चीज, जैस्मिन बार बार घर के अंदर बोल रही है तुझे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तू ट्रेंडिंग में नंबर वन पे रहता है, तू वोटिंग लिस्ट में नंबर वन पे रहता है, जबकि हमको पता है कि जो लिस्ट आती है वो किस हिसाब से आती है। सो व्हाई जैस्मिन इज डूइंग ऑल दिस थिंग, और अली इतना अच्छा दोस्त होके भी क्यों उन्होंने बार बार सेक्स डाले? देखो आपको समझना पड़ेगा कि पारस ने, इनने पारस से पूछा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं और पारस ने इनको गो अहेड दिया है। तो ऐसा नहीं है कि पारस ने बिंदु जी एक सेकंड, पारस ने लेकिन ये साफ बोला है, वो वीडियो क्लिप भी बाहर आई है जब रुबीना ने बोला पारस फाइनली करना क्या है, तो पारस ने बोला है कि डालने में तो वही डालेगा, लेकिन अगर ये करना है क्या कहते हैं प्रेस करना है, उस वक्त अली वहां नहीं होंगे जब ये पारस ने बोला है, उसने चुपचाप इनको बोला है, समझ गया? नहीं 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 विंदु जी, सबके सामने बोला है वो क्लिप है। अगर सबके सामने बोला है तो आई थिंक अली बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज अप हो जाते हैं। आई डोंट थिंक पर्पसली उसने ऐसा किया होगा, बिकॉज अली हमको बोल रहे थे मैं रुबीना का उठा के पानी में फेंकने वाला हूँ जैसे टास्क स्टार्ट होगा। फिर राहुल ने उसको रोका, बोले नहीं अली ऐसा मत कर, वरना सीधा उठा के अली तो एक सेकंड में फेंक के खत्म कर देगा गेम। करेक्ट। तो अली से मैंने कोई वादा नहीं लिया था, तो अली वॉज अलाउड टू डू दैट फॉर मी। रुबीना का फेंकता तो मैं अली को रोकता भी नहीं। डेवोलीना का मैंने रुबीना को प्रॉमिस किया था कि डेवोलीना बीच में नहीं आएगी, तुम लोग रियल गेम तीनों खेलो, तो डेवोलीना को रोकना मेरा फर्ज था। पर अगर अली बोलता मैं फेंक रहा हूँ रुबीना का, तो मैं बिल्कुल नहीं रोकता। आपको समझना पड़ेगा ये इसलिए हुआ ये चीज कि मैं अंदर गया, मुझे लगा मैं राखी का सपोर्टर हूँ, कोई तरीके से राखी को मैं फिनाले में पहुंचा दूं। तो मैंने इन तीनों के सामने बोला भैया देखो मैं राखी का सपोर्टर हूँ, रूबी अली एंड राहुल, जो भी तुम मेरी हेल्प चाहते हो, जो भी तुम्हें मिलेगा राहुल राखी को देना करके हम बोल के चले गए। बाद में राहुल आया हमारे पास, बोला विंदु भाई आप मेरी हेल्प करो। तो मैं कहा फिर तो तू जीत गया, हम देखो जिता के रहेंगे। अब रूबी आई, अरे आप ऐसे कैसे उसको हेल्प कर रहे हो? मैं कहा तुम भी चार हो, हम तो तीन ही है, राखी तो टच भी नहीं कर सकती, उसके बाद नाक वाक का लफड़ा है। तो ये हुआ, अगर अली मेरे पास पहले आए होते तो अली को कोई हरा नहीं सकता था, रूबी आती रूबी को कोई नहीं हरा सकता था, राहुल आए राहुल को कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि एक चोरों का सरदार वहां खड़ा है बीच में पारस छाबरा, जो किसी को भी हरा सकता है। बिंदु जी लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, यू आर सो काइंड हार्टेड, क्योंकि आपने राखी सावंत को जिस तरीके से परफ्यूम्स दिए और वो सारी एक एक आईलैशेस से लेकर ग्लू और पता नहीं क्या क्या चीजें आप लाए थे, बट दैट वाज सो सो हार्ट टचिंग मैं कहना चाहता हूँ। और मैंने अपने
जब मैं रिव्यू करता हूँ ना, मैंने इस बात को पर्टिकुलरली मेंशन किया था कि यार देखो दिस इज काइंड ऑफ अ लव व्हिच विंदू जी गिव्स, मतलब थैंक यू सो मच कि आपने राखी को इतना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने एपिसोड देखा और एपिसोड वाज वेरी 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 यू नो सैड कि चीजों की बातें हो रही हैं, तू वापस दे दे मेरा चीज, तू ये दे दे, तू वो दे दे, तो दिल दुखता है जब वो एपिसोड देखा। और मैंने ड्राइवर को अपने बोला भाई फटाफट चेक कर और भेजो लाने के लिए, तो उनने कहा सर वसीम को फोन करो, वसीम हमारा ब्लू स्काई का सामान सारा वो करता है। मैंने फोन किया बोला सर मुझे सब पता है राखी कहाँ से लेती क्या लेती, उसने भेजा मुझे सब कुछ, तो आई फेल्ट गुड। जब मैंने उसको जाकर देखा शी फेल्ट गुड। तो जब आप किसी के लिए भला करोगे तो आपको और भी एक चीज सोचनी चाहिए बिग बॉस में, जब आप किसी के लिए भला करो कुछ अच्छा काम करो तो बार बार उसका ऐलान जंग कि मैं सफाई करता रहता हूं, मैं ये ना करो अच्छा काम और पानी में डालो, उसके बारे में प्रोक्लेम करना तो वो काम की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो चुप ही रहना चाहिए, हमको भी पता है कौन खाना बना रहा है, कौन सफाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब वो लोग बोलते रहते हैं मैंने पूरा टाइम सफाई की ऐसा, तो वो डाउन होता है मामला, अच्छे काम करो, चुपचाप करो और निकल लो। जी चलते चलते बस आखिरी सवाल, क्या कहना चाहते हैं फैंस को और दर्शकों को रिगार्डिंग आपकी जर्नी और बिग बॉस के बारे में? भाई बिग बॉस की जर्नी मेरी तो मुझे फैंटास्टिक लगी, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सबके सब बोल रहे हैं कि विंदु यू वर गुड। एक आध लोग मेरे से अपसेट हैं कि मैंने अभिनव को क्यों निकाला, लेकिन मैं एक्चुअली फील करता हूं कि अभिनव शुड नॉट हैव बीन देयर इन द फाइनल वीक, वरना राहुल और अली के साथ बहुत अनफेयर हो जाता अगर रूबीना जीतती हैं, बहुत अनफेयर, बिकॉज मैंने देखा है कि अब वो सारे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सारे एक दूसरे से पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसे टाइम पे अभिनव वहां होते तो बोलते रूबी चल गार्डन में बैठेंगे और ले जाते उसको, तो वो बात नहीं कर पाती जो वो बोलना चाह रही है। तो आई वांट हर टू से व्हाट इज इन हर हार्ट, बिग बॉस यहाँ पहुंच चुका है भाई, एंड लास्ट स्टेज, और ये जो है रूबीना है और यही राहुल है और यही अली है, तो अब कोई फर्क नहीं, दी एंड होने आ रहा है, वी आर गोना एंजॉय दिस, वी आर गोना एंजॉय दिस, ये फन 4 days है, इसमें everybody thinks different, we think different, they think different, तो इसीलिए विनर चूज करना और अपने फैंस को बोलना यही चाहता हूँ तीनों के फैंस को कि दिल खोल के सपोर्ट करो, जिस प्रकार से वोट कर सकते हो करो, बिकॉज दिस वन इज वेरी क्लोज। थैंक यू सो मच विंदु बाजी, थैंक यू सो मच हमसे ज्वाइन करने के लिए, एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू, लव यू, बाय।